Good evening, ladies and gentlemen. I, Ravneet Kaur, and my co-anchor Sukhnandan ji welcome you all to this 4th Vijayasuri National Theatre Festival, celebrating art and artists. तो आज second day है festival का. कल पहला दिन था. पहले तो मैं आप सबको बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं. और कल भी थे. जो लोग कल थे उनको भी मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी. एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए. शायद आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. और कल मैं आपको कल के फेस्टिवल के बारे में बताना चाहूंगी. पहली बार कल हमने 3 प्लेस किए थे, जिसमें था पहला प्ले बड़े भाई साहब ड्रामाटर्जी ग्रुप के द्वारा. सेकेंड प्ले वॉज तवीशी संतोष मोहन टीम के द्वारा फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. एंड द लास्ट वन वॉज कफन बाय पल्पिट थिएटर ग्रुप. तीनों ग्रुप्स बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया. और आज भी इसी तरह हम 3 परफॉर्मेंसेज लाएंगे आपके लिए. 2 टीम दिल्ली की है और 1 टीम हरियाणा की है. आई होप आपको अच्छा लगा. मैं चाहूंगी कि सुखनंदन जी आपको फेस्टिवल की जर्नी के बारे में और रूबरू के बारे में थोड़ा बताएं. नमस्कार. एवरी स्टोरी इज अस. एवरी पर्सन इज थिएटर इनसाइड. हर कहानी हम हैं और हर कहानी का किरदार हमें अपने आसपास ही कहीं ना कहीं मिल जाता है और नाटक में ढल कर अपने होने का एहसास दिलाता है. विजयसूरी फाउंडेशन के तत्वावधान में रूबरू थिएटर ग्रुप द्वारा 4th विजयसूरी नेशनल थिएटर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है. और आज दूसरा दिन कुछ खास है. वो इस मायने में खास है कि आज ही के दिन यानी कि 2 सितंबर 2014 में रूबरू थिएटर ग्रुप की नींव रखी गई थी यानी कि स्थापना की गई थी. और फिर लम्हे गवाह हैं कि रूबरू थिएटर ग्रुप ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. पूरे भारत में सैकड़ों शोज किए हैं. साहित्य संस्कृति व भाषा के संरक्षण को लेकर रूबरू थिएटर ग्रुप ने सूचना शिक्षा और मनोरंजन का प्रचार और प्रसार किया है. इस ग्रुप के नाटक ललेश्वरी एक आवाज मोहब्बत की साहित्य कला परिषद द्वारा प्रस्तुत भारतेंदु नाटक उत्सव में चयनित सर्वश्रेष्ठ 5 नाटकों में शामिल है. ये हमारे लिए गौरव की बात है.